सुदामा जी को दरिद्रता का योग था, ऐसी दरिद्रता कई कई दिन तक भिक्षा नहीं मिलती थी। ये जितने भी चरित्र हमारे लिए उदाहरण है, मांगने जाते थे तो मांगने से भी नहीं मिलता था कई कई दिन। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि हमारा आपका तो चरणामृत से भी गुजारा दो दो दिन, तीन दिन हो, चार दिन हो, छोटे छोटे बच्चे तो मर जाएंगे ऐसे, कुछ तो उनका श्री कृष्ण के सिवा हमारा कोई नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं। प्रारब्ध जब बिगड़ता है ना, वो कोई सफलता नहीं होने देता। तो एक दिन श्री रुक्मिणी जी प्रसाद ठाकुर जी को भोग पा रही थी, रोवे रोक दिए, उदास हो गए। तो उनका प्रभु ऐसी स्थिति हमने जब जब आपकी देखी, तो किसी भक्त को जब कष्ट होता है तब आपको ऐसे देखा है, कौन सा भक्त है और क्या कष्ट है। उनका एक सुदामा नाम के हमारे मित्र हैं, कई दिन से भोजन भी उनको, प्रभु आपके मित्र और मैं आपकी दासी, माँ लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी, आप हुक्म कीजिए, लोक लोक की संपत्ति वहां। बोले उसको चाह नहीं है, हमारे मित्र को चाह नहीं है, और चाह ना होने पर हम विवश हैं, अगर वो चाह कर ले तो सारी व्यवस्था हो जाए। बोले पैदा करो जाके चाह। बोले उनके हृदय में तो नहीं पैदा कर सकते, हम भी, क्योंकि जिस हृदय में भगवान का आश्रय और निरंतर चिंतन है वहां माया की चाह नहीं होती। बोले उनकी पत्नी के हृदय में, बोले प्रयास करते हैं जाके। भगवान संत वेश में गए, भिक्षाम दे तो निकली, अतिथि का सत्कार करना गृहस्थ का धर्म होता है, हाथ जोड़ा और कहा हम असमर्थ हैं, आपको भिक्षा नहीं दे सकते। क्यों? बोले हम अपवित्र हैं, हमारे ऊपर सूतक लगा हुआ है। किस बात का सूतक? हमने एक पुत्र जन्मा है। तो ठीक है, हम 10-12 दिन बाद आ जाएंगे। बोले नहीं, आजीवन अपवित्र रहेंगे। वैसा कौन सा? बोले दरिद्रता रूपी, विद्वान की पत्नी है तो ऐसे उनका दरिद्रता रूपी पुत्र का जन्म, अर्थात सीधे कि मैं नहीं दे सकती या देने योग्य नहीं, ऐसा न कहे उनका, मैं अपवित्र हूं। उनका दरिद्र कैसे हो सकती हो, जिनके पति के मित्र द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण है, वो दरिद्र कैसे हो सकता है? एक बार कहो ना अपने पति से, चले गए। जो सुदामा जी आए थे उन घाग देखो, आज एक अतिथि आए थे, उनको मैं कुछ नहीं दे पाई, मुझे बहुत कष्ट है कि मेरे पुत्र और आए हुए अतिथि का भी हम स्वागत नहीं कर सकते, उनका भरण को। आपके मित्र द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण, सुदामा जी ने कहा। बोले चले जाओ ना, वो कुछ न कुछ सहयोग कर देंगे। तो बोले हम ऐसे मित्र नहीं बनाए कि वो हमारा सहयोग करें, कभी नहीं, मर जाऊंगा पर उनसे ये नहीं कहूंगा कि आप हमारा। बोले मत कहना, दर्शन के लिए तो चले जाओ, वो सुना है इतने उदार हैं कि वो जाने पर ही दे देंगे। सुदामा जी ने कहा दर्शन के लिए तो जा सकते हैं, बहुत दिन हो गए, ठीक है, पर मित्र के पास जाए तो कुछ लेके जाना चाहिए, मेरे पास तो कुछ नहीं है। पड़ोस में जैसे किसी से मांगने गई तो, अरे समय जब बिगड़ता कोई नहीं होता साथ, एक ने थोड़ी उदारता दिखाई तो चावल पछोरने पर जो आगे कणका होते चावल के, जो प्राय वो लिए, सुदामा जी का हमारे प्रभु भाव के मुखे कुछ ले जाएंगे, खाली हाथ तो नहीं है। पोट्री में सारांश में बता रहे, द्वारपालों ने देखा कि हड्डी हड्डी शरीर में कई जगह से फटे वस्त्र, बीमारी फटी हुई, मतलब दिखाई दे रहा था दरिद्रता की मूर्ति है। तो उनका किससे मिलना है तुमको? तो उनका श्री कृष्ण से। बोले संभाल के बोलो, क्योंकि पार्षद है, अनंत कोट ब्रह्मांडों के नायक प्रभु, क्या ऐसे बोले कोई श्री कृष्ण कोई ऐसे गली आए उनका जाके तो तुम बोलो ना, श्री कृष्ण से जाके कह दो कि एक सुदामा नाम के ब्राह्मण आए हुए पार्षद ने, वो प्रभु बड़ा अजीब आदमी है, आपका नाम बिना किसी सभ्यता के ले रहा है। वो कह रहा श्री कृष्ण से कह, सुदामा कूद पड़े भगवान दौड़े, वो पार्षद वो सब की ब्रह्मा जी शंकर जी आते हैं तो वहां खड़े रहते हैं घंटों, भगवान ऐसे भागे।
सुदामा जी को पता था ना, हमारे रुक्मिणी जी के महल में रुक्मिणी जी के पलंग पर बैठाते हैं, स्वयं चरण पखारते हैं सब। अब ये वैभव क्या हालचाल है, कैसे हो प्रभु, आप सब जानते हो आपकी बड़ी कृपा है। तो ब्याह हो गया, हाँ ब्याह भी हो गए, बच्चे भी हो, हमारे पास आए तो कुछ तो लाए ही होगे। अब वो सड़े से कपड़े में चावल कैसे बड़ी बड़ी, वो वैभव महारानियां सब भगवान का चुप ऐसे बोले, देखो फिर चूक कर रहे हो हमारे हिस्से की चोरी पहले की थी और फिर चूक कर रहे हो, और उन्हें हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इतने महामहिम प्रभु को कैसे हो तंदुर। भगवान ने ऐसे छीला, ओह आज तक मुझे ऐसा स्वाद नहीं मिला, भगवान बड़ाई कर रहे। देखो रुक्मिणी जी की आंखों में आंसू आ गया, वो दृश्य भगवान पकड़ लिया, बस प्रभु हम आपके सिवा नहीं रह सकती हो भगवान। सुदामा जी का स्वागत समारोह, अच्छे कपड़े पहनाए, जब चलने लगे ना भगवान की तरफ, वो देखते मतलब कामना नहीं पर कि देखा, पत्नी कह रही थी जाओगे कुछ ना कुछ, चले प्रभु हाँ ठीक, इधर से ऐसे चले जाना, हाथ भी खाली। प्रभु ने कहा देखो ये कपड़े जो है ना महंगे हैं, रास्ते में तुम्हें चोर बदमाश, तुम अपनी पोशाक पहने इनको उतार दो। बोले बड़ी कृपा, कपड़े भी और रास्ते में सोचे जा, देखो निगेटिवली सोच रहे, मेरे श्री कृष्ण मुझे कितना प्यार करते हैं, उन्होंने इसीलिए नहीं दिया कि दरिद्र कहीं संपत्ति पाकर मतवाला होकर मुझे भूल ना जाए, मुझे कितना प्यार करते हैं, प्रभु के प्यार में मगन होकर। सुदामा पूरी खड़ी जैसे द्वारिका, उनको भ्रम हुआ कि मुझे लगता है चलते चलते मैं पुनः द्वारिका आ गया, तो आप पूछ रहे हैं कि इसका है। भगवान के पास विधाता है, उनका प्रभु ये तो गलत हो गया, इनके भाग्य में हमने लिखा था छह श्री, ऐश्वर्य का नाश जीवन में नहीं ऐश्वर्य, छह श्री, भगवान ने उसका उल्टा कर दिया यक्ष श्री, जैसे कुबेर का अथा धन का खजाना, त्रिभुवन का खजाना वही है कुबेर के पास, जैसे कुबेर का खजाना यक्ष श्री। तो कहा प्रभु तो उनका इन्होंने एक पुण्य किया है, अनंत ब्रह्मांडों के समस्त जीवों को तृप्त कर दिया है, प्रभु खुद को खाने को नहीं तृप्त, बोले मेरे रोम रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड वास करते हैं, इनके तंदुलों से मैं तृप्त हो गया, अनंत ब्रह्मांडों का भंडारा हो गया, उसका जो पुण्य होता है लिख दो इनके भाग्य में, अब किसी की चलेगी प्रभु के आगे। तो एकमात्र प्रारब्ध को मिटाने वाले भगवान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। तो आप भगवान की शरण होकर उनका नाम जप कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको उचित लगे तो समस्या का समाधान कर दीजिए, नहीं तो मुझे समस्या से लड़ने का बल और विवेक दीजिए, बात बन जाएगी।